इंसान का लालच इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसने प्रकृति पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रकृति जो हमें दोस्तों चीजें हमेशा मुफ्त में देती है, हमेशा मुफ्त में अवेलेबल कराती है, हमारा नर्चर करती है, हमें पालन पोषण करती है, लेकिन आज ये हालत है कि इंसान ने दोस्तों बगावत कर दी है और इंसान प्रकृति को ही नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति भी आपको नहीं छोड़ेगी। और फिल्म जंगली में यही मैसेज है। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। बात करते हैं दोस्तों विद्युत जम्वाल की फिल्म जंगली के बारे में, जिसे विद्युत जम्वाल जीते हैं। आइए बात करते हैं फिल्म की स्टोरी के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको दोस्तों अपना मिड इंटरव्यू रिव्यू बताया था, जिसमें मैं काफी ज्यादा सैड था, दुखी था। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे मोमेंट्स देखे जब इतने बड़े बड़े जो यूनिक स्पेक्टेकुलर जानवर होते हैं उनको इंसान अपने लालच के लिए मार रहा है, जो कि आपका दिल तोड़ देता है, जो कि आपको अंदर से रुला देता है। लेकिन सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फिल्म में एक्शन भरा हुआ है, और जहां पर अगर एक इंसान उन्हें मार रहा है लालच के लिए, तो वहीं दूसरा इंसान बचा रहा है प्रकृति को, क्योंकि उसे जिंदगी को बचाना है। फिल्म की कहानी यही है दोस्तों कि आप अगर प्रकृति पर वार करेंगे तो इंसान ही प्रकृति पर जो वार करेंगे उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बात अगर करूं दोस्तों, तो चक रसल इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने रेजर जैसी फिल्म बनाई, जिन्होंने स्कॉर्पियन किंग बनाई है, जिन्होंने द मास्क जैसी फिल्म बनाई, जो कि हॉलीवुड के नामी गिनामी चेहरों में से एक है। इंडिया की अगर बात करें, जिस तरीके से वो फिल्म को ट्रीटमेंट देते हैं, वो ऑल इन ऑल हॉलीवुड फिल्म है। अगर आप इंडियन फिल्म सोच के इसमें कोई नाच गाने की परंपरा ढूंढ रहे हैं, तो सॉरी बॉस, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको प्योर एंड प्योर एंटरटेनमेंट मिलेगा। प्लस अगर बात करूं मैं बच्चों के लिए, ये फिल्म दोस्तों देखने लायक है। बच्चों को हाथी पसंद आएंगे, बच्चों को छोटे छोटे प्यारे हाथी के बच्चे पसंद आएंगे, बड़े हाथी पसंद आएंगे। ओवर एंड ऑल ये फिल्म बच्चों का दिल लुभा के ले जाएगी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े आप लोग इस फिल्म को स्किप करें, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है। बात करूं अगर सिनेमेटोग्राफी की, तो मैं मार्क इरविन का दीवाना हो चुका हूं। जिस तरीके से उन्होंने कैमरा एंगल्स को घुमाया है, जंगल की खूबसूरती को उन्होंने एकदम पारदर्शी तरीके से दिखाया है, वो आपको डेफिनेटली इंप्रेस करेगी। मार्क इरविन ने कुछ ऐसे शॉट्स निकाले हैं दोस्तों, जो कि अमेजिंग है। प्लस कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली इंडियन फिल्म होने के बावजूद हॉलीवुड की याद दिलाएगी। हॉलीवुड में जिस तरीके के एंगल्स होते हैं, कैमरा एंगल्स ले लीजिए, कैमरा मोमेंट ले लीजिए, ड्रोन का इस्तेमाल ले लीजिए, स्लो मोशन का इस्तेमाल ले लीजिए, मार्क इरविन ने अपनी जॉब परफेक्ट तरीके से निभाई है। कलाकारों की बात करना चाहूंगा मैं, दो इसमें नई लड़कियां हैं, एक का नाम है दोस्तों पूजा सावंत, दूसरे का नाम है आशा भट्ट। तो दोनों ने ही अपना जितना उनको कैरेक्टर मिला था वो ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म कर दिया है। हाँ, ऐसा नहीं है फिल्म के बाद, फिल्म से जब आप देख कर आएंगे, कि आपके दिमाग में कैरेक्टर रच बस जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है फिल्म में। ऑल इन ऑल जो है विद्युत जम्वाल की फिल्म है। विद्युत ने एक्शन करके हमारा दिल जीता है। विद्युत ने हाथियों के साथ जिस तरीके से होड़ लगाई है, जिस तरीके से वो हाथियों के साथ फन करते हैं, वो हमारा दिल जीत के ले जाती है। फिल्म में एक बैक स्टोरी है जो कि आपको ज्यादा क्यूट नजर आएगी। फिल्म देखने में आपका दिल भी टूटेगा, फिल्म देखने में आप जॉ ड्रॉप भी होंगे, लेकिन फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। बात करूं अगर दोस्तों फिल्म की कमियों के बारे में, तो फिल्म की सबसे बड़ी कमी है फिल्म की स्क्रिप्ट, जो कि सेकंड हाफ में कुछ ज्यादा ही खिंच गई है। सेकंड हाफ में ऑल इन ऑल एक्शन दिखाया गया है। आई नो ये विद्युत जम्वाल की फिल्म है, विद्युत एक्शन के किंग कहे जाते हैं, उनकी फिल्मों में एक्शन तो मस्ट है, कंपलसरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए स्टोरी के साथ सेक्रीफाइस करें। बात करूं अगर दोस्तों मैं, तो एक्शन इतना ज्यादा रिपीटेटिव हो जाएगा कि आपके सर में दर्द भी हो जाएगा देखकर। फिल्म का जो क्लाइमेक्स है, एक निश्चित तौर पर क्लाइमेक्स आता है, और आप कहीं ना कहीं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शायद ये क्लाइमेक्स हो सकता था। फिल्म के एंड क्रेडिट रोल में एक सॉन्ग आएगा, जिसमें सिंगर की जो आवाज है वो एक बच्चे की आवाज है। आई एम श्योर आप वो जरूर देखेंगे और आप उसे मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्रेडिट रोल में है और साथ ही साथ जर्नीज भी दिखाई गई है। फिल्म के अंदर अक्षय ओबेरॉय का एक छोटा सा कैमियो भी है, जो कि इफेक्टिव भी नहीं है। सो ओवर एंड ऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे जंगली फिल्म को राहुल कितने स्टार दोगे आप, तो मैं ये सिर्फ और सिर्फ मदर अर्थ के लिए स्टार देना चाहता हूं। मैं 2.5 स्टार और प्लस 0.5 स्टार में विद्युत के एक्शन और उनकी कड़ी मेहनत के लिए स्टार देना चाहता हूं। तो टोटल मिला के 3 स्टार। जंगली देखिए, एक टाइम पास फिल्म है और आप कहीं ना कहीं लाइट हार्टेड भी महसूस करेंगे। टेक केयर, अपना रिव्यू मुझे जरूर बताइएगा और बने रहिए मेरे साथ। राहुल भोज इसी तरीके के जंगली रिव्यूज लाएगा आपके फेवरेट चैनल में। टेक केयर।